डीसी कार्यालय ऊना में मंगलवार को राजभाषा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भाषा विभाग की तरफ से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त राघव शर्मा ने राजकीय कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय नवरत्न ज्वेलर्स नाहन। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि मातृभाषा हिंदी के अधिक से अधिक उपयोग होने के चलते कार्यालय में आने वाले आम नागरिकों को भी उनके कार्यों के निष्पादन के संबंध में काफी सहायता मिलती है। जबकि देश भर में मनाए जाने वाले हिंदी पखवाड़े के तहत इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हुए साल भर की राजकीय गतिविधियों में हिंदी का विशेष रूप से प्रयोग करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है। ये सरकार की नीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो राजभाषा हिंदी है उसको सरकारी कार्यालयों में जो सरकारी कामकाज है उसमें प्रयोग किया जाए। इसका एक लाभ जो है वो नागरिकों को भी होता है, क्योंकि जो विशेषकर ग्रामीण लोगों ग्रामीण इलाके में लोग रह रहे हैं उनको अगर पत्राचार हिंदी में होता है तो उनके लिए समझना जो है बहुत ही आसान हो जाता है उसको। तो अंग्रेज़ी की जगह हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, ये सरकार की आधिकारिक नीति है। और इसमें राजभाषा का जो पखवाड़ा है वो सितंबर माह में मनाया जाता है, और हर जिले के लेवल पे और राज्य के लेवल पे भी जो कर्मचारी अधिकारी और विभाग राजभाषा का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाता है, उनको प्रेरणा देने के लिए और बाकियों को मोटिवेट करने के लिए। तो इसी क्रम में आज जिला ऊना के जो भाषा कार्यालय है वहाँ से कुछ विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को जो सम्मानित किया गया है। इसमें मत्स्य विभाग ऊना जो है वो सर्वोत्कृष्ट पाया गया है हिंदी के कार्यालय में जो प्रयोग के लिए। साथ ही जो हमारी छठी गृहवाहिनी है होमगार्ड्स की, उसके जो कमांडेंट हैं और सुपरिटेंडेंट हैं उनको अधिकारी और कर्मचारी जो सबसे ज़्यादा राजभाषा का योग करते हैं प्रयोग करते हैं उनके रूप में सम्मानित किया गया है। सांख्यिकी विभाग के कर्मचारी जो हैं उनको जो है वो उसमें सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मान है वो दूसरों को जो है वो प्रेरित करेगा कि राजभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग जो है वो सरकारी कामकाज में करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। ग्रुप फोटो।